Okay, so in the digital marketing training, what you will learn that I am explaining to you, ये कोर्स किसके लिए सुटेबल है? तो जो मार्केटिंग प्रोफेशनल्स है उसके लिए वो ये कोर्स कर सकता है, राइट? क्योंकि मार्केटिंग में जो सबसे बड़ी चैलेंज होती है वो नई लीड जनरेट करनी या नया बिजनेस जनरेट करना, राइट? तो वो इससे आप जनरेट कर सकते हो, दैट इज नंबर वन. जो सेल्स प्रोफेशनल्स है वो भी कर सकता है. जो बिजनेस ओनर्स है, जिसका खुद का अपना बिजनेस है, उसको अगर अपना एक्सपांशन करना है बिजनेस का तो वो इससे कर सकता है. एंटरप्रेन्योर है, किसको नया अपना खुद का नया स्टार्टअप किया है, तो सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो कैश फ्लो का रहता है, तो वो ये एंटरप्रेन्योर भी कर सकता है. डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल्स यानी जो ऑलरेडी अभी डिजिटल मार्केटिंग की लाइन में है और जिसको फास्ट ग्रो करना है वो भी कर सकता है. एंड स्टूडेंट फ्रॉम एनी डिसिप्लिन, आप अगर साइंस के बैकग्राउंड से हो या कॉमर्स के या आर्ट्स से, इन नटशेल यू नीड थ्री थिंग्स. नंबर वन इज योर विलिंगनेस टू लर्न, आपकी सीखने की इच्छा होनी चाहिए, राइट? सीखने की इच्छा यानी ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पर आए बैठ करके चले गए, ऐसी इच्छा नहीं. लेकिन हम लोग जो आपको बताए कि ये आपको घर पे जाके या यहाँ पर बैठ के करना है, वो आप एंड ऑफ द लेक्चर करो और जो छूट गया है वो घर पे करके लाओ, वो विलिंगनेस का मतलब वो होता है. नंबर टू योर इंग्लिश प्रोफिशियंसी, राइट? आपको जो भी कुछ करना है वो इंग्लिश में करना पड़ेगा, राइट? ईमेल आप गुजराती या हिंदी में टाइप नहीं कर सकते, राइट? कर सकते हो लेकिन वो नहीं चलेगा. आपको जो रीड करना है वो भी इंग्लिश में करना है, तो इंग्लिश प्रोफिशियंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर बोलना नहीं आता है तो चलेगा, लेकिन लिखना और अंडरस्टैंड करना वो बहुत ही काम की चीज है. एंड नंबर थ्री इज योर एनालिटिकल स्किल. वाई इंपॉर्टेंट? क्योंकि इसमें बहुत सारे डेटा आपको मिलेंगे, गूगल एनालिटिक्स या फेसबुक एनालिटिक्स या कोई भी एनालिटिक्स ले लो. अगर डेटा रीड करना आपको आता है, हम लोग डेफिनेटली आपको सिखाएंगे, लेकिन अगर आपकी ऑलरेडी कुछ स्किल डेवलप हुआ है एनालिटिक्स में तो ये आपको बहुत काम में आएगा, राइट? आपको ये तीन सर्टिफिकेट्स मिलेंगे जैसे मैंने अभी आपको बताया. अभी मैं आपको एक के बाद एक लेकर जाता हूं. तो हमारा जो सबसे पहला लेक्चर होगा वो होगा, कोई भी क्लाइंट आपके पास नया आता है डिजिटल मार्केटिंग का या किसी का भी, तो उससे डिटेल्स कैसे लेनी है, दैट इज गोइंग टू बी अवर फर्स्ट लेक्चर, जो मैंने ऑलरेडी यहां पर ऐड किया हुआ है एसईओ ट्रेनिंग में. जो हमारा पहला, ये सारे टॉपिक्स है जो हम लोग आपको डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग में सिखाएंगे. यहां पर उसके यूट्यूब का वीडियो है जो लास्ट बैच का है, राइट? यानी अगर आपको सपोज तीसरे लेक्चर में कुछ ज्यादा मालूम नहीं हुआ सपोज, तो आप नेक्स्ट बैच के तीसरे लेक्चर में भी आ सकते हो, वो सेम चीज सीखने के लिए कभी भी आ सकते हो, राइट? तो ये इसके लिए हमने ये सेंट्रल लोकेशन क्रिएट किया है जिसका एक्सेस मैं आपको, आप लोगों को दे दूंगा. और ऐसी शीट आपको सभी जितने भी हमारे मॉड्यूल्स है वो सभी की आपको मिलेगी, एसईओ, गूगल एनालिटिक्स, पीपीसी, सोशल मीडिया, ये चारों की आपको मिल जाएगी. तो जो सबसे पहला हमारा लेक्चर है वो है क्वेश्चनर. राइट? तो ये क्वेश्चनर में जो ब्लू वर्ड है वो आपको क्लाइंट को पूछना है, राइट? कि भाई आपका प्रीफर्ड मोड ऑफ कम्युनिकेशन कौन सा है, आपका कन्वीनियंट टाइम कौन सा है, आपका डोमेन नेम कौन सा है. तो ये दिस इज द फर्स्ट. और अगर आप खुद भी आपके बिजनेस के लिए भी कर रहे हो तो ये आंसर की जितनी क्लैरिटी आपको होगी उतना अच्छा आप स्ट्रेटजी बना सकोगे. आपको ही खुद को नहीं पता कि आपको ऑस्ट्रेलिया टारगेट करना है या यूएस को टारगेट करना है, यू विल नॉट बी एबल टू क्रिएट द स्ट्रेटजी, राइट? सो ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको पहले लेक्चर में सिखाऊंगा, जिसका उपयोग आप प्रपोजल बनाने के लिए, क्लाइंट कोई भी नया आता है तो उसको प्रपोजल कैसे सेंड करना है, नंबर वन, स्ट्रेटजी कैसे बनानी है डिजिटल मार्केटिंग की, एंड नंबर थ्री कि क्लाइंट पोटेंशियल है कि नहीं वो भी आपको इससे पता लग जाएगा, उसमें कितना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए. ये तीनों की तीनों चीज आपको ये क्वेश्चन से पता लग जाएगी, राइट? जैसे आपने एक हमारा वक्त ये हुआ था कि भाई तुम्हारे मैरिज करवाना तो पहला बायोडेटा इंटरचेंज करे, राइट? बायोडेटा थी डिसाइड करे
कि भाई जुआ जवाए कि ना जुआ जवाए ना जुआ जवाए, राइट? ओके, सो जो पहला लेक्चर है वो है अंडरस्टैंड क्लाइंट बिजनेस मॉडल, नंबर टू हाउ टू चूज डोमेन नेम एंड वेब होस्टिंग। अगर आप आपका खुद का बिजनेस कर रहे हो तो डोमेन नेम वेबसाइट का किस तरीके से लेना है, क्योंकि डोमेन नेम ऑल्सो हेल्प्स यू टू गेट द रैंकिंग, और होस्टिंग किस टाइप का लेना है, राइट? लिनक्स होस्टिंग लेना है या विंडोज होस्टिंग लेना है? लिनक्स होस्टिंग लेना है तो कितनी रैम वाला और कितनी स्पीड वाला लेना है, उसके सर्वर का लोकेशन कौन सा होना चाहिए, ये सारी चीज आपको मैं दूसरे लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा जो यहां पर मैंने ऑलरेडी लिखा है, हाउ टू चूज डोमेन नेम एंड होस्टिंग प्लान, राइट? दिस विल बी योर सेकंड लेक्चर, करेक्ट? नंबर थ्री, गूगल फिलोसॉफी एंड प्रिंसिपल। जैसे इन्होंने क्वेश्चन रेज किया था कि भाई गूगल किसको व्हाइट हैट कंसीडर करता है, किसको ब्लैक हैट कंसीडर करता है, तो जब लैरी पेज एंड सर्जी बिन, राइट, दो फाउंडर्स है गूगल के, उन्होंने जब गैरेज में कंपनी स्टार्ट की थी तब उन्होंने 10 चीज दिमाग में सोची थी कि ये 10 चीज हम लोग प्रूव करेंगे या इसको बनाएंगे, राइट? वी विल मेक दिस हैपन। तो ये 10 चीज हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? जब कोई गूगल में नया एम्प्लॉय रिक्रूट होता है तो ये 10 चीज गूगल उसको बताता है। वो चीज मैं आपको सिखाऊंगा कि कोई भी गूगल किसको ब्लैक हैट कंसीडर करता है, या गूगल के अल्गोरिदम में गूगल किसको कंसीडर करता है, किसको नहीं करता है, ये गूगल फिलोसॉफी से हमको पता लगेगा। तो ये तीसरा लेक्चर होगा आपका। उसके बाद कीवर्ड रिसर्च। सो कीवर्ड रिसर्च इन नटशेल, लोग गूगल पर आपकी सर्विस या प्रोडक्ट के बारे में किस तरीके से ढूंढते हैं वो आपको पता लगेगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ढूंढना है, ये गूगल कीवर्ड रिसर्च का टूल है, टूल सेटअप प्लानिंग कीवर्ड प्लानर, ओके, ये टूल है जो मैं आपको तीसरे लेक्चर में सिखाऊंगा कि किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है आपको। आप में से कोई मुझे एक बिजनेस मॉडल बताओ जिसके लिए आपको, यस, आप कर रहे थे ना, आप कौन से कीवर्ड से आपको लाना है टॉप में? BIBLE, BER, वी, ओके, वर्स, ओके, वर्स, वेरी गुड, फोर डिजिट, ओके, करेक्ट। अभी सही है? सपोज इंडिया में कितने लोग सर्च करते हैं वो अभी ढूंढते हैं, हम पूरे वर्ल्ड में भी कर सकते हैं, लेट अस सी द होल वर्ल्ड, सेव एंड गेट आइडियाज। राइट, एग्जैक्टली ये कीवर्ड पे कोई सर्च नहीं करता है। अब भाई आप सोचो कि अगर ये कीवर्ड पर ये एक 3 साल से मेहनत कर रहा है, सपोज आई एम नॉट श्योर कि वो ही पर कर रहा है, लेकिन वो रॉन्ग डायरेक्शन में है, करेक्ट? यही चीज अगर ये वर्ड से करें तो कितना सर्च वॉल्यूम है मंथली? 550,000। अगर इस पर ये टॉप 10 पर आ जाते हैं तो उसको कहीं पर भी नौकरी करने की जरूरत नहीं है, उतने एडसेंस से पैसे बन सकते हैं उनके लिए, उन्होंने इमेजिन नहीं किया वो इतने पैसे बन सकते हैं ये कीवर्ड से अगर टॉप में आ जाते हैं तो, राइट? इसकी डिमांड कब होती है, कौन से मंथ में होती है? जनवरी में सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि उनका नया साल जनवरी में आता है। और कौन से मंथ में होती है उसकी ज्यादा डिमांड? मार्च में होती है,
पता नहीं मुझे मार्च में कौन सा उनका आता है, लेकिन जनवरी और मार्च ये दोनों मंथ में उसकी डिमांड सबसे ज्यादा होती है। और एक स्टेटिस्टिक्स देखते हैं, इसकी डिमांड सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री में है? नहीं, कंट्री में ब्रेकडाउन बाय लोकेशन से नहीं बता दे लो, डिवाइस से हम लोग दे लेते हैं। ये सर्च मोबाइल डिवाइस पर 75% टाइम लोग ढूंढते हैं, यानी अगर उनको प्रमोशन करना है तो उनकी वेबसाइट मोबाइल में तुरंत खुलनी चाहिए और रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिव मानी सभी डिवाइस में आपकी वेबसाइट प्रॉपरली दिख रही है, इट इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिव, राइट। अगर मुझे देखनी है कि ये वेबसाइट मेरी मोबाइल में कैसी दिखती है, तो ये एक एक्सटेंशन है रिस्पॉन्सिव टेस्टर, जिससे आप यहां पर देख सकते हो कि मेरी मोबाइल, मेरी वेबसाइट, ये पेज मोबाइल में ऐसे दिखेगा। ब्राउजर कंट्रोल से भी आप कर सकते हो, कंसोल से भी कर सकते हो, ट्रू। लेकिन ये आसान हो जाता है क्योंकि आपके पास ये डिफाइन है कि आईफोन 6 में कैसी दिखेगी और अदर डिवाइसेस में कैसे दिखेगी, राइट। तो ये जो चीज है ये आपकी परफेक्ट होनी चाहिए अगर आप बाइबल वर्सेस से अपना प्रमोशन कर रहे हो। पेड अगर आप कर रहे हो तो देख सकते हो, वरना नहीं देख सकते। गूगल पर पेड कर सकते हो, एड पेड कर रहे हो, इफ यू आर पेइंग टू द गूगल देन गूगल, पहले फ्री था लेकिन अभी फ्री नहीं है, राइट। ब्रेकडाउन बाय लोकेशन में ये देता नहीं है, वरना ये कंट्री का दे देता, अदर कंट्रीज। ओके, नहीं सभी कंट्री में भी वो देता है, कंट्री में अगर क्या देता है कि इसकी डिमांड सबसे ज्यादा कौन सी कंट्रीज में है। और कोई कीवर्ड बताओ, उसका क्या मीनिंग होता है? आ गया कंट्री में, नॉप कॉमर्स की सबसे ज्यादा डिमांड यूनाइटेड स्टेट्स में है, उसके बाद इंडिया में, उसके बाद यूके में, और उसके बाद अदर कंट्रीज में। और कितनी बार सर्च होता है? 18,100। ये सारे डेटा आपको कैसे कैपिटलाइज करना है, इसको लेकर आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, एंड नंबर टू कौन से कीवर्ड पर प्रमोट करना है, राइट। वरना आप ऐसे कीवर्ड से टॉप में होंगे जिस पर कोई सर्च भी नहीं कर रहा है, राइट। आपको ऐसे कीवर्ड से टॉप पर आना है जिसमें लोग सर्च कर रहे हैं ताकि आपको नया बिजनेस मिले या ट्रैफिक मिले, करेक्ट। तो ये मैं आपको सिखाऊंगा कीवर्ड रिसर्च के लेक्चर में। दूसरा है पेज ऑन पेज। सो पेज ऑन पेज क्या है बेसिकली, कि जब आप सर्च करते हो, सपोज मैंने यहां पर सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग कंसल्टेंट इन अहमदाबाद सपोज, तो आपको जो यहां पर दिखता है ये आपका टाइटल है जिसको गूगल सबसे ज्यादा रैंकिंग में प्रायोरिटी देता है। अगर आपके पास कोई वेबसाइट है एक्स वाई जी और उसमें टाइटल लोग जो ढूंढ रहे हैं उसके रिलेटेड नहीं है, लोग क्या ढूंढ रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट इन अहमदाबाद, तो मेरे टाइटल में आपको लिखा डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट इन अहमदाबाद मैंने आगे लिखा है, तो मेरे टाइटल में वो वर्ड है जिससे गूगल को यह पता लगता है कि मेरी ये पेज वो कीवर्ड से मिक्स रिलेटेड है। नंबर टू यूआरएल, तो आपके यूआरएल में भी आपका कीवर्ड आ जाए तो वो अच्छा है, रैंकिंग में हेल्प करेगा। तीसरा है डिस्क्रिप्शन, तो आपके डिस्क्रिप्शन में भी वो वर्ड आ जाना चाहिए। तो ऐसी 10 चीजें हैं जो अगर आप टेक केयर कर लेते हो तो जैसे मैं टॉप पर हूं डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट इन अहमदाबाद से, वैसे आप भी ऑन पेज एसईओ करके कुछ हद तक, मैं ऐसा नहीं बोल देता हूं कि पहले टॉप पर ही आ जाओगे, लेकिन आप जहां पर होंगे वहां से मैं बैट मार के बोलता हूं कि आप सपोज 50 पर हो तो 20 तक पहुंच जाओगे। ये चार चीजें एक्चुअली, जब आप क्लिक करोगे यहां पर तो जो पेज आता है वहां पर भी आपका कीवर्ड होना चाहिए। ये हेडिंग है H1, ये चार चीज अगर आपने टेक केयर कर ली तो आप जो भी कीवर्ड आप टारगेट कर रहे हो उसको, उससे आपको बेहतरीन रैंकिंग इंप्रूवमेंट मिलेगा। रैंकिंग इंप्रूवमेंट मानी मेरी पोजीशन अभी पहली है, वैसे अगर आपकी ये कीवर्ड से 10वीं है
तो आप ये चेंजेस करके 10 से 8 या 5 तक पहुंच सकते हो। तो ये कैसे आपकी वेबसाइट के लिए करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा पेज ऑन पेज। उसके बाद है इमेज ऑल्टर एंड टाइटल। तो ये छोटा सा पार्ट है कि अगर आप ये कर्सर यहां पर ले जाते हो तो आपको दिखना चाहिए कि ये इमेज का नाम क्या है, राइट, जिससे गूगल उसको कंसिडर करता है। उसके बाद है एडवांस सर्च इन गूगल। एडवांस सर्च क्या है कि हम नॉर्मली गूगल का इस लेवल का ही इस्तेमाल करते हैं, गूगल पर सर्च किया और जो मिला उसको ले लिया, लेकिन गूगल इससे बहुत डीप में भी हमें सर्च करने की फैसिलिटी देता है, राइट। किस तरीके से, सपोज मुझे ये जानना है कि मेरी इंडस्ट्री में लोग प्रपोजल किस तरीके से सेंड करते हैं, राइट, क्लाइंट को प्रपोजल किस तरीके से सेंड करते हैं, तो मैं कैसे ढूंढ सकता हूं। यहां पर मैं एडवांस सर्च में जाना है मुझे, और एडवांस सर्च में जाने के बाद एनी फॉर्मेट की बजाय मुझे कौन सा सिलेक्ट करना है। नॉर्मली प्रपोजल कौन से फॉर्मेट में होता है, पीडीएफ में होता है, तो मैं यहां से ले लूंगा डिजिटल मार्केटिंग प्रपोजल। राइट, और यहां पर एडवांस सर्च मुझे कितने प्रपोजल मिल गए, ये एक टेम्पलेट है, दूसरा है, तीसरा है, ये एक टेम्पलेट मुझे मिल गया, ये दूसरा मिल गया, राइट, कितनी सेकंड में मुझे मिला, लेस देन 1 सेकंड। और कितने प्रपोजल मिले, राइट, सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ एडवांस सर्च। आप आपके प्रोजेक्ट्स को या किसी भी चीज को ये कस्टम सर्च है जिससे आप फाइंड कर सकते हो कि कौन कौन से लोगों ने क्या पब्लिश किया है। अगर मुझे ये ढूंढना है कि टाइम्स ऑफ इंडिया या अहमदाबाद मिरर ने कौन से आर्टिकल में डिजिटल मार्केटिंग के लिए लिखा है, तो मैं गूगल सर्च से ढूंढ सकता हूँ, राइट। कैसे, सपोज अहमदाबाद मिरर की वेबसाइट है, या टाइम्स ऑफ इंडिया ले लेते हैं, वो अच्छा रहेगा, राइट। तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया की अहमदाबाद की वेबसाइट है, अगर मैं यहां पर साइट कॉलन, ये एक सिंटैक्स है जिससे आप ढूंढ सकते हो, राइट, और यहां पर अगर मैं लिख देता हूं डिजिटल मार्केटिंग, एंटर, जितने भी पेजेस पर डिजिटल मार्केटिंग के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है वो सारे मुझे मिल गए। ये सारे रिजल्ट टाइम्स ऑफ इंडिया के ही, और किसी की भी वेबसाइट के नहीं होंगे, और सिर्फ अहमदाबाद के एडिशन के होंगे, राइट। अगर आप यहां से ढूंढते हो, राइट, तो आपको सारे के, ये टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टाइम्स है, सारे के सारे रिजल्ट आपको टाइम्स ऑफ इंडिया के अहमदाबाद के मिल जाएंगे, राइट। यानी आपकी पर्टिकुलर वेबसाइट को एनालाइज करना है तो विद दिस सर्च टेक्निक यू कैन एनालाइज द वेबसाइट, राइट, करेक्ट। तो ये सारी चीज, ये मैंने जो आपको 2 टेक्निक बताई, ऐसी 15 टेक्निक्स है जिससे आपका काम बहुत ही आसान कर सकते हो। उसके बाद है टूल्स एंड इट्स यूजेस। इसमें मैं ये सिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से गूगल के अलग अलग ब्राउजर के एक्सटेंशन को इस्तेमाल करके आपका काम आसान कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मुझे ये वेबसाइट पर ये चेंज करना है, मुझे ये नंबर चेंज करना है, सपोज, तो ऑसम स्क्रीनशॉट करके एक प्लगइन आता है जिससे मैं ब्राउजर में ही कैप्चर हो गया, कैप्चर, और उसके बाद यहां पर लिख सकता हूं चेंज द नंबर एंड अपडेट मी, राइट, और इसको मैं यहां पर रख सकता हूं, यहां से एरो कर सकता हूं, और यहां पर इसको लिखा सकता हूं डन, कॉपी इमेज, सीधा कंपोज करके यहां पर आप ईमेल सेंड कर सकते हो, राइट। यानी एमएस पेंट में स्क्रीनशॉट लेकर जो आप आधे घंटे में या 10 मिनट में काम करते थे, ये चीज से आप वही काम 1 मिनट में कर सकते हो। तो ऐसे
हम लोग आपको 50 टूल सिखाएंगे जिससे आप आपका काम बहुत ही आसान कर सकते हो, बहुत ही फास्ट कर सकते हो बेसिकली। उसके बाद है पेज लोडिंग टाइम को कैसे रिड्यूस करना है, राइट। दिस इज द बिगेस्ट थिंग व्हूसोएवर डूइंग एसईओ, कि भाई एसईओ में गूगल ये बहुत ही इसको महत्व देता है। जैसे कि ये पेज है मेरा, राइट। तो ये पेज का हम लोग देखते हैं गूगल पेज स्पीड इनसाइट। ये एक टूल है जिससे आप ढूंढ सकते हो कि मेरे पेज का, मेरी पेज की लोडिंग टाइम मैंने कितनी ऑप्टिमाइज की हुई है। जितना कम टाइम जितना स्कोर ज्यादा, इसका स्कोर कितना है 93 और इसका स्कोर कितना है 91, राइट। और हम लोग देख लेते हैं कि मेरे नीचे जो आया हुआ है उसका स्कोर कितना है, तो आपको मालूम होगा कि गूगल इसको रैंकिंग में कितनी प्रायोरिटी देता है, राइट। मोर द स्कोर हायर द चांसेस दैट गूगल विल गिव यू प्रायोरिटी इन द रैंकिंग, दैट इज फॉर श्योर। तो ये पेज लोडिंग टाइम किस तरीके से ये 91 और 93 को लाना है वो मैं आपको साइट ऑन पेज में सिखाऊंगा, राइट। रिड्यूस पेज लोडिंग टाइम, कौन कौन सी एक्टिविटीज हम लोग लिंक बिल्डिंग में कर सकते हैं, राइट। लिंक बिल्डिंग इज नथिंग बट गूगल क्या होता है कि अगर आपको किसी फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि अगर ट्रेनिंग लेनी है तो अगर आप यहां से लोगे तो आपको 100% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलेगी, तो मुझे एक रेफरेंस मिला। तो हर एक लिंक आपकी पेज के लिए रेफरेंस की तरह काम करती है। जैसे कि उन्होंने बाइबल वर्स के लिए अलग अलग 10 जगह से उन्होंने लिंक ली जो रिलेटेड टू बाइबल है या होली बुक्स है, होली बुक्स के रिलेटेड वेबसाइट है, तो गूगल उनकी वेबसाइट को ग्रेजुअली बाइबल वर्सेस के लिए प्रायोरिटी देना स्टार्ट कर देगा। तो वो कैसे ढूंढना है और उसके लिए आर्टिकल्स कैसे लिखने हैं, राइट, आर्टिकल्स को किस तरीके से प्रमोट करना है, वो सारी चीज मैं लिंक बिल्डिंग के चैप्टर में आपको सिखाऊंगा। आर्टिकल है, सोशल बुकमार्किंग है, बिजनेस सबमिशन है, सो मेनी अदर थिंग्स आर देयर, राइट, जो मैं आपको ये लिंक बिल्डिंग के केस में सिखाऊंगा। उसके बाद है बैकलिंक एनालिसिस। तो आपका कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, जो टॉप में आया हुआ है वो कहाँ कहाँ से बिजनेस ट्रैफिक जनरेट कर रहा है, वो हमने एक टूल लिया हुआ है एचरेप्स करके, राइट। एचरेप्स इज अ टूल फ्रॉम विच यू कैन फाइंड दिस, कि आप जो बंदा टॉप पर है, सपोज अभी आप बाइबल वर्सेस से सर्च कर रहे हो और जो 10 साइट टॉप में आ रही है उन्होंने कहां कहां पर लिंक बनाई है, यानी कहां कहां से उनको रेफरेंस मिल रहा है और कौन से कीवर्ड से उनकी वेबसाइट पर ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, वो एचरेप से आपको पता लग जाएगा। तो वो कैसे करना है वो मैं आपको कॉम्पिटिटर एनालिसिस में सिखाऊंगा, राइट। उसके बाद है कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन। सो दिस इज माई फेवरेट टॉपिक, राइट। वॉट इज कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन, बेसिकली कि जब कोई बंदा आपकी वेबसाइट पर आता है, सपोज आप ट्रेनिंग इन एसईओ के होम पेज पर चले गए, तो जब कोई बंदा आपकी वेबसाइट पर आता है उसमें से आपको कितने लोग लीड देते हैं या आपको कॉन्टेक्ट करते हैं, वो है आपका लीड कन्वर्जन रेट। सपोज 100 बंदे मेरी वेबसाइट पर आए, उसमें से 5 लोगों ने मुझे आइदर डाउनलोड सिलेबस से या रिक्वेस्ट फ्री डेमो लेक्चर से या यहां से कॉन्टेक्ट किया, तो मेरा कन्वर्जन रेट कितना होगा, 5%। तो आपका कन्वर्जन रेट किस तरीके से बढ़ाना है उसके लिए हमारे पास 50 टेक्निक्स हैं जो मैंने 10 साल में डेवलप किए। यहां पर हमारा एक टॉपिक है कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन, राइट। तो ये हमने लिखा है कि कैसी होनी चाहिए कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन में, आपको कौन कौन सी चीज ध्यान में रखनी चाहिए, ये सारा मैंने यहां पर लिखा है। अगर ये इसमें से आपके बिजनेस के लिए जो मेक सेंस करती है वो चीज अगर आपने वेबसाइट पर रख दी, तो बिलीव मी आपका कन्वर्जन रेट डबल हो जाएगा, कंफर्म डबल हो जाएगा। कैसे, मैं आपको सिंपल एक लाइव एग्जांपल देता हूं जो मैंने किया है। जब मैंने ये वेबसाइट को लॉन्च किया था तब रिक्वेस्ट फ्री डेमो लेक्चर नहीं था, मैंने सिंपल अपने पैकेजेस रख दिए थे या ट्रेनिंग कोर्स के मॉड्यूल रख दिए थे। फिर मुझे दिमाग में आया कि कोई बंदा, अगर किसी को पता नहीं है कि वो क्या सीखने वाला है या उसमें क्या वैल्यू एडिशन होने वाली है, तब तक वो कभी भी मेरी ट्रेनिंग नहीं लेगा।
उसके लिए मैंने एक नया टेस्ट किया, एबी स्प्लिट टेस्टिंग, कि 50 लोगों को मैंने ये रिक्वेस्ट फ्री डेमो लेक्चर नहीं दिखाया और 50 लोगों को मैंने रिक्वेस्ट फ्री डेमो लेक्चर दिखाया, सिंपल। तो विथ सरप्राइज रिक्वेस्ट फ्री डेमो लेक्चर वाले पेज पर मुझे 6% कन्वर्जन रेट मिला और विदाउट वाले पर मुझे 1% कन्वर्जन रेट। तो ऐसी मेरे पास 50 चीज है कि अगर आप वो रख देते हो आपके पेज पर, लैंडिंग पेज पर, इसको टेक्निकल भाषा में लैंडिंग पेज मानी जो पेज पर बंदा और सोर्स से आता है या मीडियम से आता है, तो जो पेज पर लैंड होता है दैट इज कॉल्ड लैंडिंग पेज। तो वो कैसी चीज कौन कौन सी होनी चाहिए वो हमने यहां पर रख दी, तो आपका कन्वर्जन रेट कंफर्म डबल हो जाएगा या वही विजिटर से आप ज्यादा बिजनेस जनरेट कर सकते हो। उसके बाद है ई कॉमर्स कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन। तो अगर आप ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहे हो तो किस तरीके से आपको वेबसाइट बनानी चाहिए ताकि ज्यादा आपकी प्रोडक्ट सेल हो। जैसे हम लोग अभी आइसगेट का काम कर रहे हैं, राइट, वी आर डूइंग द वर्क फॉर द आइसगेट। तो उसके लिए हमने लास्ट मंथ में 2 साल का रेवेन्यू जनरेट किया है, 2 लाख का, सॉरी 2 लाख का रेवेन्यू जनरेट किया है, जो उनसे उसके पहले उसका सिर्फ 50,000 था पर मंथ, राइट। और हमारा प्रोजेक्शन है कि 2 साल में हम उसको, 2 साल नहीं सॉरी 2 महीने में उसको हम 2 लाख से 4 लाख पहुंचा देंगे, राइट। वो मैं अभी आपको एनालिटिक्स में दिखाता हूँ लाइव। उसके बाद है मोबाइल कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन। सो मोबाइल में वेबसाइट कैसी होनी चाहिए, जैसे अगर आपने किसी ने शार्प ऑब्जर्व किया हो तो मैंने मोबाइल में क्या किया है, अलाइनमेंट में होना चाहिए। लेकिन किसी का कोई शार्प ऑब्जर्वेशन है इसमें मैंने क्या किया है कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इमेजेस को निकाल दिए, वो लोडिंग टाइम है। मैं अभी कन्वर्जन नहीं, वो तो सही है, लेकिन कन्वर्जन, अगेन माय पॉइंट इज कन्वर्जन। इसको मैंने फ्रीज कर, मैंने इसको कन्वर्जन बढ़ाने के लिए इसको फ्रीज कर दिया है। अभी ये डेस्कटॉप में इस स्टिकी कर दिया है। इससे क्या होता है कि यूजर कोई भी सेक्शन में हो, अगर एट एनी मोमेंट उसको ऐसा लगा कि मुझे ये ट्रेनिंग लेनी है तो वहां से उसको ऊपर या नीचे जाने की जरूरत नहीं है, समझे आप। फ्रॉम दैट मोमेंट ओनली यूजर कैन कॉन्टेक्ट मी, और उसमें भी फ्री वर्ड आ गया तो फिर कोई बात नहीं है, राइट, छोड़ेगा नहीं, तुरंत ही लॉक हो जाएगा, राइट। तो ये सारी चीज मोबाइल में आपको कौन कौन सी चीज ध्यान में रखनी है फ्रॉम द कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा विजिटर्स में से लीड मिले या आपका प्रोडक्ट सेल हो, वो चीज मैं आपको मोबाइल कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन में सिखाऊंगा, राइट। उसके बाद है लोकल बिजनेस सबमिशन। ऑलरेडी यू ऑल नो कि हम लोग डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन अहमदाबाद से अगर आप ढूंढते हो, एसईओ ट्रेनिंग से ढूंढोगे तो भी हम लोग आते हैं। राइट, तो इससे आपको यहां पर कैसे आना है, राइट, दैट इज अ पार्ट ऑफ लोकल बिजनेस सबमिशन, राइट, गूगल बिजनेस प्रमोशन, सॉरी। जो भी बंदा लोकल बिजनेस कर रहा है, ये भी मेरा ही एड्रेस है, राइट, पहले मैं घर पे देता था, तो ये दोनों मेरे ही है, राइट, दोनों के नंबर आपको सेम दिखेंगे, अगर दिख रहे हैं तो, नहीं दिख नहीं रहे दोनों के नंबर, वरना आपको सेम दिखेंगे। तो ये जो है, ये दोनों चीज है, ये गूगल लोकल बिजनेस का पार्ट है। तो ये गूगल लोकल में आपके बिजनेस को किस तरीके से टॉप में लाना है, राइट, वो मैं आपको सिखाऊंगा लोकल बिजनेस प्रमोशन। उसके बाद है गूगल एनालिटिक्स, राइट। सो गूगल एनालिटिक्स इज अगेन माय फेवरेट सब्जेक्ट। उसको कैसे करना है मैं आपको सिंपल एक एनालिटिक्स को ओपन करके दिखाता हूं। राइट, इसमें
सपोज मुझे देखना है कि लास्ट 30 डेज में मुझे कितनी लीड्स मिली या कितने लोगों ने मेरे फॉर्म को फिल किया, यहां से मुझे पता लग जाएगा कि लास्ट 30 डेज में मेरा कन्वर्जन रेट कितना है, 5.6. इंडस्ट्री बेंचमार्क इज 3-5%, राइट? सो ये कन्वर्जन की टेक्निक से मैंने अपने कन्वर्जन रेट को टेंस टू डबल कर दिया है. लीड मिली है मुझे 83. कौन से एरिया से मुझे मिली है, तो रिक्वेस्ट फ्री डेमो लेक्चर के लिए 53 लोगों ने फॉर्म फिल किया है, 21 लोगों ने फूटर पर कॉल करके मुझे कॉन्टेक्ट किया है, 2 लोगों ने कॉन्टेक्ट अस के पेज पर कॉल करके किया है. तो दिस ऑल एनालिसिस यू कैन डू. कहां से किया है, ये सोर्स एंड मीडियम. गूगल ऑर्गेनिक से मुझे 55 लीड मिली है, 55. सीपीसी यानी पेड एडवर्टाइजमेंट से सिर्फ 3 मिली है, राइट? डायरेक्ट से 15 मिली है, एंड सो मेनी अदर वेबसाइट से मुझे, अदर रेफरल सोर्स से मुझे इतनी वेबसाइट. तो ये सारा एनालिसिस आप कर सकते हो, राइट? अभी मुझे किसी कोई बताए कि भाई आपको सबसे ज्यादा कौन सी जगह पर फोकस करना चाहिए, कौन सी जगह पर फोकस करना चाहिए? गूगल ऑर्गेनिक पर, वो मेरे लिए ब्रेड एंड बटर है, राइट? करेक्ट. सपोज मुझे ये जानना है कि कौन से टाइम पर मुझे लीड मिल रही है, सपोज, तो ये आप ढूंढ सकते हो गूगल एड्स एंड आवर ऑफ द डे. ये रिपोर्ट से आप ये तय कर सकते हो कि मुझे कौन से टाइम पर सबसे ज्यादा लीड मिलती है. गोल कंप्लीशन, सबसे ज्यादा 6 बजे और रात के 11 बजे, ये दोनों टाइम पर मुझे सबसे, मेरा कन्वर्जन रेट सबसे हाई होता है. यानी कन्वर्जन रेट मानी 100 में से कितने लोग मुझे वो टाइम पर कांटेक्ट करते हैं, राइट? उसके बाद है डे ऑफ द वीक, कौन से दिन पर मुझे सबसे ज्यादा लीड मिलती है. 0 मानी संडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे को मुझे सबसे ज्यादा मिलती है कंपेयर टू एनी अदर डे, राइट? गोल कंप्लीशन कब ज्यादा होता है, सॉरी, वो भी ऑब्वियसली जहां पर कन्वर्जन रेट वहां पर ज्यादा है उसी दिन पर मुझे ज्यादा वैल्यू मिलेगी. तो अगर मुझे मेरा पेड एडवर्टाइजमेंट करना है या फेसबुक एडवर्टाइजमेंट करना है तो ये डेटा से मैं कौन सा एक्शन आइटम ले सकता हूँ. अगर मेरी एड चला नहीं है तो फ्राइडे, सैटरडे और संडे कोई चला नहीं है, मंडे टू थर्सडे तक नहीं चलानी. तो ये जो पूरा एनालिसिस है, हाँ, एफबी के लिए भी मिलता है, एफबी के लिए भी मिलता है. तो ये जो पूरा एनालिसिस है, ये तो ऐसे 50 रिपोर्ट है गूगल एनालिटिक्स में, मैंने आपको 3 दिखाया है. तो ऐसे 50 रिपोर्ट को एनालाइज करके आप ये तय कर सकते हो कि कौन सी डिरेक्शन में आप एफर्ट लगाओगे तो आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा, या कौन सी ऐसी जगह है कि जहां पर आप एफर्ट तो लगाते हो लेकिन आपको फेसबुक से एक भी लीड मिली दिखी हमको, राइट? फेसबुक इज नॉट द राइट प्लेटफॉर्म टू जनरेट लीड, फेसबुक इज राइट प्लेटफॉर्म टू डू द ब्रांडिंग. आपका सिर्फ ब्रांडिंग होगा, कभी भी फेसबुक से आपको लीड का एक्सपेक्टेशन आप नहीं, बहुत कम मिलेगी, ऐसा नहीं बोल सकता नहीं मिलेगी, बहुत कम मिलेगी. तो ये जो सारी चीज है ये मैं आपको गूगल एनालिटिक्स में सिखाऊंगा कि किस तरीके से गूगल एनालिटिक्स को कॉन्फ़िगर करना है, गोल ट्रैक करना है, ई कॉमर्स ट्रैकिंग करना है, राइट? ये सारी चीज मैं आपको उसमें सिखाऊंगा. उसके बाद है पेड प्रमोशन, राइट? सो पेड प्रमोशन किस तरीके से कैंपेन बनाना है, रीमार्केटिंग कैसे करना है, राइट? रीमार्केटिंग मानी सपोज मैं यहां से कोई भी वेबसाइट पर चला जाता हूं, सपोज मैं गया gaana.com पर, सपोज तो आपको यहां पर जो एड दिखती है, राइट? यहां पर आपको मेरी, आपकी भी एड आपके लिए आप दिखा सकते हो. किस तरीके से? रीमार्केटिंग. रीमार्केटिंग माना जब कोई बंदा मेरी वेबसाइट से जाता है और वो मुझे लीड नहीं देता है, यानी मुझे कांटेक्ट नहीं करता है, तो मैं उसको 1 महीने तक या आपने जो टाइम पीरियड डिसाइड किया है वहां तक आप उसको कंटिन्यूअस एड दिखा सकते हो. जहां जहां वो जाएगा वहां वहां आपकी एड उसको चेस करेगी, फॉलो करेगी, राइट? वो वोडाफोन वाला जो एड आती थी ना कुत्ते की, उस तरीके से वो फॉलो करेगी, राइट? सो दैट यू विल लर्न इन
गूगल एडवर्ड्स, राइट। तो ये मैंने मेरा खुद का कैंपेन बनाया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये गूगल एडवर्ड्स का इंटरफेस है, राइट। तो ये मेरा एक रीमार्केटिंग का कैंपेन है और दूसरा है मेरा सर्च कैंपेन है। तो इसको कैसे बनाना है, इसको कैसे मेजर करना है, ये सारी चीज मैं आपको सिखाऊंगा, राइट। यू विल लर्न ऑल दिस थिंग, हाउ टू डू द प्रमोशन इन गूगल एंड हाउ टू डू द रीमार्केटिंग, हाउ टू डू डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, राइट, हाउ टू डू यूट्यूब वीडियो एडवर्टाइजिंग, ये सारा होगा आपका एडवर्ड। उसके बाद है ईमेल मार्केटिंग। सो ईमेल मार्केटिंग में कौन से टाइम पर ईमेल करना है, सब्जेक्ट लाइन में क्या लिखना है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। हमने एक एबी स्प्लिट टेस्टिंग किया था कि पहले हमने ईमेल किया तो हमारा ओपन रेट आया 1%, यानी 100 लोगों में से एक लोग ने हमारी ईमेल को ओपन किया, जिन्होंने हमने मेल किया था उन लोगों ने। हमने एक टेस्टिंग किया, हमने ईमेल के सब्जेक्ट में उसका नाम लिख दिया, वो आप मेल चिम से वेरिएबल सेट करके कर सकते हो, राइट। तो हमारा ओपन रेट सीधा 10% हो गया। सपोज एक चीज आती है कि भाई व्हाई डिजिटल मार्केटिंग फ्यूचर इज ब्राइट सब्जेक्ट लाइन में, और दूसरा आता है चिराग कॉमा व्हाई डिजिटल मार्केटिंग इज ब्राइट, सो द प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई दैट यू विल ओपन दैट ईमेल बिकॉज इट इज पर्सनलाइज ईमेल। जैसे ही चीज पर्सनलाइज हो जाती है उसकी ओपन रेट शूट हो जाती है। हाँ, तो वो कैसे करना है। नील पटेल का आपने किसी ने आपको नाम सुना होगा। सब्जेक्ट लाइन क्या लिखना है, कंटेंट में क्या लिखना है जिससे ज्यादा लोग क्लिक करके आपकी वेबसाइट पर पहुंचे, वो सारी चीज। कौन से टाइम पर ईमेल सेंड करना चाहिए, अगर मुझे सेंड करना है तो 6 बजे करना चाहिए क्योंकि मेरा कन्वर्जन रेट 6 बजे सबसे ज्यादा है, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स यू विल लर्न इन ईमेल मार्केटिंग, राइट। उसके बाद है एफिलिएट मार्केटिंग, तो कौन से टॉपिक पर आर्टिकल लिखने चाहिए, राइट, कौन से टॉपिक की डिमांड ज्यादा होती है, किस तरीके से आर्टिकल के टॉपिक्स को बनाना है, एचआरएफ्स का इस्तेमाल करके किस तरीके से कॉम्पिटिटर एनालाइज करना है, ये सारी चीज मैं आपको कंटेंट मार्केटिंग में सिखाऊंगा। मोबाइल मार्केटिंग, सो मोबाइल में रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाते वक्त कौन कौन से एलिमेंट को ध्यान में रखना है, ईमेल में मोबाइल मार्केटिंग के वक्त आपका कॉल टू एक्शन कहां पर रखना है, पेज लोडिंग टाइम कैसे कम करना है, ये सारी चीज मैं आपको मोबाइल मार्केटिंग में सिखाऊंगा। सोशल मीडिया मार्केटिंग, राइट, तो मैं आपको लाइव केस स्टडीज देता हूं जो हमने अभी इवेंट का प्रमोशन किया उसके लिए, फेसबुक एड्स मैनेजर। फेसबुक बिजनेस राइट। तो ये हमने जो कैंपेन क्रिएट किया है, मैं आपको सिर्फ ये दिखाता हूं कि कितनी कम कॉस्ट में हमने लीड जनरेट किए। माय पॉइंट इज ओनली दैट हमने फ्री डिजिटल मार्केटिंग वर्कशॉप, जो ये आज का वर्कशॉप है, उसके लिए हमने जो एड क्रिएट की थी उसमें मुझे कितनी लीड मिली, 54, यानी 54 लोगों की मुझे कॉन्टेक्ट डिटेल्स मिल गए। और कॉस्ट पर लीड क्या है मेरी, यानी ये 50 मेरी टोटल कॉस्ट कितनी आई मुझे, अप्रोक्सीमेटली 1000 रुपीज मेरा बजट था, 1075। अभी ये 54 में से अगर दो बंदे भी मेरी ट्रेनिंग लेते हैं तो ROI इज देयर, यस और नो, ROI इज देयर, राइट। तो ये आपके बिजनेस के लिए कैसे करना है, राइट, और ये प्रूवन है, राइट, ये प्रूवन।
सेम वे इवेंट जनरेट, मैंने दो चीज की, एक इवेंट भी जनरेट की थी, उसके लिए मुझे कितनी लीड मिली, 113 क्लिक्स हुई और मुझे अप्रोक्सीमेटली 30 से 40 लीड मिली, तो ROI इज देयर। ये पूरा बजट मैंने कितना बजट स्पेंड किया है लास्ट दिस मंथ, मैंने किया है 1516 और मुझे पता है इससे मुझे 5 कैंडिडेट मिलेंगे, कंफर्म 5 कैंडिडेट मिलेंगे, राइट, 1 लाख का मुझे फायदा होगा, राइट, कंफर्म। तो ये आपके बिजनेस के लिए आप कैसे कर सकते हो, राइट, किस तरीके से पोस्ट बनानी है, पोस्ट में इमेज कैसी रखनी है, कॉल टू एक्शन कौन सी रखनी है, ये सारी चीज मैं आपको, ये फेसबुक के एड जब आपको बनानी है पेड एडवर्टाइजमेंट, इस तरीके से आप लिंक्डइन में भी बना सकते हो, ट्विटर पर भी बना सकते हो, एंड जहां पर आपका टारगेटेड ऑडियंस टाइम स्पेंड करता है वहां पर आप बना सकते हो। वर्क मैनेजमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने क्लाइंट का काम ले लिया या आपका खुद का काम ले लिया, लेकिन उसको मैनेज किस तरीके से करना है, तो इसके लिए आपका काम आसान करने के लिए मैंने एक सिस्टम बनाई है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। किस तरीके से आपको कोई भी नया क्लाइंट आता है या आप कोई भी क्लाइंट के लिए डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो तो काम कैसे मैनेज करना है, गोल सबसे पहले डिफाइन करना है, उसके बाद एक्टिविटीज को डिफाइन करना है और उसको वीकली तौर पर उसको डिवाइड कर देना है कि कौन काम करेगा, उसका स्टेटस क्या है, वीक वन में कौन सी एक्टिविटीज करेंगे, वीक टू, वीक थ्री, वीक फोर एंड सो ऑन। ये लेवल का माइक्रो प्लानिंग कैसे करना है इसका मैंने पूरा फॉर्मेट बनाया है, जिससे आप एक नहीं आपके पास 10 क्लाइंट हो तो भी आप इसको आसानी से मैनेज कर सकते हो, क्योंकि सबको आपकी टीम में पता है कि किस तरीके से किसको कौन सा काम एग्जीक्यूट करना है, राइट, तो ये किस तरीके से करना है इसके लिए मैंने पूरा स्प्रेडशीट बनाया और इसमें मैंने जो भी डिजिटल मार्केटिंग में आता है वो सारी चीज मैंने यहाँ पर मेरे 10 साल के अनुभव से जो भी चीजें मुझे पता लगी है वो मैंने यहाँ पर लिखी, राइट, जिससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा और आप वर्क मैनेजमेंट बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो, क्योंकि आपको मंडे को पता होगा कि सैटरडे तक मुझे ये 5 काम निपटाने हैं, राइट, डिजास्टर नहीं होगा लास्ट में। क्लाइंट को किस तरीके से रिव्यू और रिपोर्ट भेजना है, राइट, ये रिपोर्ट है और इसका ये एक फॉर्मेट है, क्लाइंट को रिपोर्ट किस तरीके से, रैंकिंग इंप्रूवमेंट किस तरीके से भेजना है, उसके बाद है उसको ट्रैफिक इंप्रूवमेंट किस तरीके से भेजना है, उसको एनालिटिक्स का रिपोर्ट किस तरीके से भेजना है, लीड्स का रिपोर्ट किस तरीके से भेजना है, ये सारी चीज का ड्राफ्ट रेडी है। आपको सिर्फ यहां से कॉपी करके आपका जो ये स्टेटिस्टिक्स मत भेज देना, आपका स्टेटिस्टिक्स जो आया हुआ है या जो डेटा आए हुए है उसको रिप्लेस करके आप इसको भी भेज सकते हो, राइट, क्लियर। तो ये सारी चीज मैं आपको वर्क मैनेजमेंट में सिखाऊंगा, राइट, क्लियर, ओके, सो दैट्स इट फॉर